हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बॉटल्स डीआईवाई शेयर करूंगी आप लोग के साथ। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मेरे क्राफ्टिंग आइडिया डीआईवाई की दुनिया में। और उसके लिए मैंने सबसे पहले एक पुराना बॉटल यूज़ किया है और साथ ही मैंने एक कार्डबोर्ड और अल्मीनियम फॉइल यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने इसे एक शेप दिया है। इस शेप को देने के लिए मैंने अल्मीनियम फॉइल का इस्तेमाल किया है। और मैं कुछ इस तरह इसे एक शेप में लाने के लिए इस तरह इसे स्टिक कर दूंगी। तो मैंने कवर हटा दिया है और मैं अब इसे ग्लू के ज़रिए स्टिक कर दूंगी। मेरे पास मास्किंग टेप नहीं था, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर का यूज़ किया है और ये बहुत अच्छे से स्टिक हो गया है इसके साथ। और एक न्यूज़पेपर को मैंने रोल करके उसके नीचे वाले हिस्से पर उसे स्टिक कर दिया है। इसे अच्छे से टिश्यू पेपर की मदद से मैंने इसे और अच्छे से स्टिक कर लिया है। और ये देखिए मेरा ये बॉक्स जार जो था वो तैयार हो गया है। साथ ही मैंने दो सींग तैयार किए हैं कार्डबोर्ड से और ईयर्स, और इन दोनों को मैंने स्टिक कर दिया है। और मेरे पास मास्किंग टेप नहीं था तो मैं पेपर को कट करके इसे स्टिक कर रही हूँ। और अब मैं इसकी आंखें तैयार कर रही हूँ मार्कर से, और उसके बाद हम कलर करेंगे। कलर अकॉर्डिंग योर चॉइस, जो आपको अच्छा लगे। मैंने कुछ इस तरह तैयार किया है, तो आप देख के समझ ही गए होंगे कि मैं ये क्या बना रही हूँ। ये काउ हेड है और काउ हेड मैं कुछ इस तरह से अपने मन चाहे कलर को यूज़ करके मैं इसे तैयार कर रही हूँ, जैसा आप देख सकते हो। जब प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स आने लगे थे तो कोई नहीं जानता था ये हमारे और हमारी पृथ्वी यानी अर्थ के लिए कितना हार्मफुल होगा, पर ये अब हर घर में और हर जगह आपको मिल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। मगर इसका कोई रीयूज़ नहीं होता, बहुत ही कम तादाद में इसका यूज़ होता है। प्लास्टिक इज़ द हार्मफुल सब्सटेंस ऑन द अर्थ। इट टुक्स 100 and 100 years टू डिकम्पोज। इट्स नॉट अ एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्रेंड्स। इसलिए हमें फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक्स का रीयूज करना चाहिए। घर में ही रखे प्लास्टिक्स के बॉक्स, बॉटल और जो भी चीज़ हमारे घर में आता है उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज करें। और अपने साथ जब मार्केट जाएं तो अपने साथ हमें बैग्स, कॉटन बैग्स, जूट के बैग्स ये लेके जाना चाहिए, ताकि हम प्लास्टिक्स का यूज़ कम से कम कर सकें और इन्वायरमेंट को फ्रेंडली बनाने में हम अपना छोटा सा योगदान तो दे ही सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए बातों बातों में मेरा ये काउ हेड तैयार भी हो रहा है। और डिज़ाइंस जो आपको अच्छा लगे वो डिज़ाइंस दें। ये मनचाहे डिज़ाइंस पर ही ये काउ हेड बनता है, जो बहुत ही खूबसूरत बनेगा। आप भी अपने घरों में जो भी बॉटल जार, प्लास्टिक बॉटल जार रखे हों उनका इसी तरह रीयूज़ करें और अपने घर को डेकोरेट करें। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो
सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये देखिए दोस्तों, बातों बातों में पता ही नहीं चला मेरा काऊ हैट कब तैयार हो गया, और मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन करके तैयार कर लिया है अपने काऊ हैट को। तो देखिए ये है इसका फाइनल लुक। आप इसे बालकनी में आप इसे हैंग कर सकते हैं, अपनी वॉल पे हैंग कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही खूबसूरत पीस सा दिखता है। जैसा आप देख रहे हैं, मैंने अपने घर के अंदर के वॉल में इसे हैंग किया है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दिखने में। तो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू एंड बाय बाय।